सुरंगशाल मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कम्पाउंड खुमुलुंग बुबाग्रानी याक्री फिताराय फ्योगी रिजाखा एटमोस्फेरिक ड्रिंकिंग वाटर जेनेरेटर मेसिन सिगांगो वाटरनि दै हा बिसिंनि दै न दिसावै नोंजाखै टंमानि फिया ताबुक नबानि बिसिंनि न सोनामजाखनाय दै गामि हाजिगो दै मानथगिया जागाबो आबहाय दैनि मेसिन आचुग्रि मानखे दैनि जोंजालक हलिनाय हेनि साखा बुबाग्रा दै गामि आमजाय रगो जों फेरांनि जोंजालबो दङ आबनि बागै सुलार बाय अ दैनि मेसिन न आचुग्रि मानखे गामि आमजाया दौनाय लुगुरकनि दैनि जोंजालनि कात्रि मानानो हनिबो साखा ते खुमुलुंग खेरांबार साखाम नगब ड्रिंकिंग जेनेरेटर वाटर मेसिन आचुरुनानी ककनति बसाका बिनि कक्लामो बुबाग्रा हवा से हवा में जो ह्यूमिडिटी रहता है एटमॉस्फेरिक वो रहता है उसी को तान के अपने मशीन के अंदर इसको पानी बनाकर ये पीने का पानी फिल्टर्ड क्लीन अल्कलाइन पानी का पीने का पानी बनाता है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां में अगर आपके पास पानी नहीं है और जमीन में बोरिंग के में जमीन के नीचे भी पानी बहुत अंदर है तो ये मशीन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये हवा में जो पानी है जो एटमॉस्फेयर में है उसको तान के अपने मशीन से पानी को कन्वर्ट करके ये सबको देते हैं। ये बहुत तरीके से जहां में पानी का ड्रिंकिंग पीने का पानी का प्रॉब्लम है पूरे दुनिया में ये एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी है जो पानी ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन देता है। ये पानी पीने के लिए एकदम सेफ है, ये पानी फिल्टर्ड है और ये पानी में पूरे अल्कलाइन प्रेजेंस है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है और मुझे लगा कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे एरिया में लगा दें जहाँ में पीने का पानी का प्रॉब्लम है तो आने वाले दिन में एटलीस्ट ये हमारे टीप्रासा लोगों को रिलीफ देंगे। स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है? स्वास्थ्य देखिए ये पानी इसका पूरा टेस्टिंग किया गया है। ये पानी इज सेफर इज एज गुड एज मिनरल वाटर और इसके अंदर फिल्टर है, फिल्टर पानी है यानी अल्कलाइन वाटर है तो इसमें एक्चुअली मिनरल्स भी है और ये पानी पीने के लिए एकदम सेफ। हमने इसको टेस्टिंग भी कराया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ISO सर्टिफाइड कंपनी से ये टेस्टिंग करके ही आया। ये मेन बिल्डिंग से अभी शुरुआत है, गाँव में कितना ज्यादा में? देखिए ये टेस्ट पायलट केस है, हम खेरिंग बार में भी लगाएंगे क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको भी स्कूल में खुमपुई में लगाएंगे और उसके बाद गांव में अगर ये सिस्टम अच्छे तरीके से चला तो ये हम गांव में भी लगाएंगे। सिर्फ गांव में एक प्रॉब्लम है कि बिजली का, तो हम उसको शायद कन्वर्ट करके सोलर में करके हम करेंगे लेकिन ड्रिंकिंग वाटर पानी ही जिंदगी है तो हम चाहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए आज तक सब लोग ने बात किया है, काम बहुत कम किया है। ये बाहर का टेक्नोलॉजी है, अगर यहाँ में चलता है तो ये गाँव में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पायलट केस है, अगर ये अच्छे तरीके से चला तो हम हर जगह में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।